को मम्मा। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशु शुभम रोशन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत। भी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और आज बहुत मुश्किल से हमारा शूट का टाइम निकला है। जो हम लोग उस दिन रेडी हो रहे थे वही शूट आज होगा। सो रात में मम्मी ने कड़ी इसलिए ज़्यादा बना ली थी क्योंकि मॉर्निंग का शूट हमको 10:30 पर निकलना है। तो ये रही कड़ी, कड़ी बासती नहीं है इसलिए। और अभी मैं ताज़ा बना रही हूँ चावल और बना रही हूँ रोटी और फटाफट फिर नहा के हम लोग हो जाएंगे रेडी। जब तक पीहू सो रही है, पीहू उठेगी फिर उसको खाना बना के लाके उसको नहला के ले जाएंगे। तो आज का जो भी लुक है जैसा भी है वो आपको देखने में ब्लॉग में, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। बन गई मेरे से रोटी बन गई, चावल भी बन गए, 10 मिनट 5 मिनट बन गए। हम आएंगे और हम तैयार होंगे और हमको नींद भी बहुत आ रही है। फास्ट भी है, मम्मी ने गला लिया था मना कर दिया। हाँ, कल बड़े बना देना। साबुदाने और दही भी जमा दिया था। साबुदाने बना देना, कल बड़े बना देना। चलो मैं बर्तन साफ कर लीजिए फटाफट। अरे बाथरूम में अभी कोई नहीं है तो तुम नहा लो, सुन रहे हो। तो आज हमारे कैमरा मैन ने या तो हमको धोखा दे दिया है या वो किसी चीज में बिजी है, तो जिसकी वजह से वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं उसको पिछले 1 घंटे से कॉल कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, मम्मी को मैंने मना कर दिया था कि साबुदाना मत बनाओ, फिर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। आई डोंट नो कि वो चलेगा भी कि नहीं, शूट होगा भी कि नहीं हमारा। तो मैंने फिर सोचा जब तक साबुदाना बना दूँ और पीहू को खाना खिला दूँ, क्योंकि बन ही जाएगा उतनी देर में। तो वो फ़ोन तो वैसे भी मैंने भी जब तक सोचा कि मैं जब तक है ना ऑटोमेटिक मशीन लगा, ऑटोमेटिक मशीन लगा के पीहू चलो आ जाओ खाना खाए। चलो 11:30 बज गया, चलो आ जाओ। तो हम दोनों नहा वहा सब लिया, फ्री हो गए सारी चीजों से, काम से तो एकदम फ्री हो गए। आज तो हमारा काम ऐसे हुआ जैसे हमको पता ही नहीं चला। क्यों हम ज्यादा नहीं हमारे घर में, आज हमको पता चला जब हमने फटाफट किया ना तो हमको पता चलता सब्जी नहीं बनी। और सब्जी तो वैसे भी 2 मिनट में छुक जाती है ना, 2 मिनट में छुक देते अपन सब्जी। तो बाकी रोटी बनी है, चावल बने, बर्तन धुले, सब हुआ है, काम नहीं है हमारे घर में ज्यादा। 11:30 बज गया, मैं पीहू को जब तक खाना खिलाती हूँ, बाकी देखते हैं गॉड नोज क्या चाह रहा है वो। अभी ड्रेस वाली को भी फ़ोन करना पड़ेगा, भारती बहुत दिनों से परेशान हो रही है। वो यही बोले कि दीदी आप तो आपके फ़ोन पे शूट कर लो, और यही ऑप्शन भी बचा है मेरे पास लास्ट, क्योंकि ड्रेस आए काफ़ी टाइम हो गया ना, इसलिए लगाती हूँ फ़ोन। तो ना हमारे कैमरा मैन ने धोखा तो दे दिया था, पर फिर मैंने उसको एक बार फिर फ़ोन करके ट्राई करने की कोशिश करी तो उसने फ़ोन उठा लिया और बोला कि दीदी एक्चुअली मैं लेट सोया था तो लेट उठा, तो हम लोग बस रेडी हो रहे थे। देखो मैं पास ऐसे नहीं दिखी ना, तो ऐसे कैमरा नहीं चलाना आता। तो ये मेरा फाइनली मेरा मेकअप भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये रहा मेरा मेकअप और ये मैंने जूड़ा लगाया था, अच्छा लगेगा तो लगेगा, नहीं तो निकाल दूँगी। अब लैशेज लगाना है, बाकी नॉर्मल ही करा है सब कुछ, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेवी नहीं करा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉपर वे में आता नहीं है। और फिर कैमरे में ना अब जैसा देखोगे ना बस सारी चीज़ें दिख जाती है, तो इसलिए फिर मैंने ना जितना आता उतना ही करा, ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं किया। अब पूरा ड्रेस पहने फिर दिखाएंगे। तो हम दोनों हो चुके हैं रेडी, ये रहा हमारा लुक। ये देखो हमारे पोशाक कितने प्यारे लग रहे हैं ना। रसीद कटा ली ना, तो हमको कहीं भी कोई भी शूटिंग नहीं करते कि भाई वहां पे कितने मांग रहे थे पे? वो लाल बाग में छतरी बाग में ये क्या बोलता दीदी 4000 की तो इसकी वो भी नहीं है, 1 घंटे के लिए वाले वहाँ पे चलते हो उधर। अब अपन को यहीं करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। मम्मी देख रहे कितने इतरा रहा हो दादा।
किस्मत खराब। अरे रसीद कटा ली, कटा ली। हाँ, कहाँ है रसीद का? वो भैया के पास है। आ रहे हो उधर? वो भी तो कर रहे हैं भैया। तो फाइनली हम जा रहे हैं अंदर रीजनल पार्क में। 1000 रुपये ले रहे हैं हमसे और 1000 रुपये में अंदर जा सकते हैं ऐसा बोल रहे हैं। कैमरे की है, बाकी ऐसे तो नॉर्मल बहुत कम चार्ज होता है। मम्मी इसको ले लो, बाकी जब करना है तो फिर अच्छे से करेंगे ना यार। इतना तैयार होके आए हैं, टाइम अपना वेस्ट करना ही है। तो मैडम जी का शूट चल रहा है, वो वाला थोड़ा सा ऐसा आगे रहो। फिर हमारा फोटोग्राफर स्वराज, स्वराज चौधरी। स्वराज तूने वो रील देखी? स्वराज तूने वो रील देखी? आंखें बंद करो एक बार, थोड़ी सी गर्दन ऊपर करो हल्की सी। हाँ अब आंखें बंद करो, फील करो मम्मी फील। मेरा तो शूट कंप्लीट हो गया अभी, फोटो शूट, और अभी मीशू का चल रहा है। ये ऐसे मतलब मैं भी दे देती ऐसे पोज़ तो। मीशू मीशू बोल देना, थोड़ा सा ऐसा घूमो इस साइड पर। हाँ बस आप नहीं, उधर ही चेहरा उधर ही रखो। सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा देखो यार, धूप आ रही है थोड़ी सी। ये तो करवाती रहती है, इसको तो आदत है शूट करने। मेरा पहली बार था, थोड़ा सा उसको टाइट करो। तो मेरे लिए भी ये राजपूती पोशाक मंगवाई है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है पोशाक। सांस में सांस आई कि नहीं बता। अरे यार थोड़ा क्या रहता है, एक साथ रहता तो थोड़ा एंजॉयमेंट होता रहता है। समझ समझ रहे यार ये तो हमारे घर में आई एक और खुशखबरी। क्या खुशखबरी आई मम्मी? मीशू की 7 लाख फॉलोअर कंप्लीट। मेरे इंस्टाग्राम पे 7 लाख कंप्लीट हो गए हैं और इसी खुशी में आज हम जाएंगे बाहर खाना खाने। यस पार्टी मम्मी की तरफ से, आज की पार्टी मम्मी की तरफ से, सबको बोलो आ जाए खाना खाने। सबको बोल दो खाना खाने, सब अच्छा सबको। हाँ ठीक है सबको आ जाओ। तो पापा भी बहुत खुश है, सब बहुत खुश है, और मेरे तो पैर जमीन पे ही नहीं है। मैं डाल दूँ स्टोरी में, स्टोरी डाल रहा। और ऐसी तरक्की कर जल्दी से तेरे 1 मिलियन हो जाए। तो गाइस अभी हमारा ये सेलिब्रेशन होने वाला है तो 7 लाख का। हाँ हमारी बेटी बहुत आगे जाए। बोलो बैग पर, ये वाले शूज ले चलते हैं उसके, वो वाले कभी वो गंदे हो गए तो। नहीं 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 होंगे यार, यहीं तो जा रहे हैं खाना खाने तो जा रहे हैं। अरे वहाँ अगर रही तो फिर वो चलने फिरने वहाँ अगर रहेगा ना कि चलो कितने सारे लोग आएंगे अंदर रेस्टोरेंट के अंदर खाएंगे। रेस्टोरेंट तो चलना है लेकिन वहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है
कहाँ वहीं चले ना नानकसरी चले, खाना अच्छा मिलता है वहाँ। नानकसरी चलना है। हाँ कहीं दूसरी जगह तो मज़े नहीं आएगा। अच्छा वही ना गीता भवन ही। हाँ वही लास्ट टाइम गए थे।